नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर 360 गुप्ता पर। और आज की वीडियो में दोस्तों जो मैच कवर करेंगे वो मैच है दोस्तों ECS T10 क्रोटिया का नवा और दसवां मुकाबला जो खेला जाएगा टीम SOS वर्सेस टीम JAS के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोनों टीम्स के प्रीव्यू के बारे में, दोनों टीम्स के स्टैट्स और प्लस लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में। उसके अलावा आपको बेस्ट ऑप्शंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कैप्टन एंड VC के। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और अगर आप लोग इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वीडियो को बिना देखे एक भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन मत करिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर अभी के समय 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है इसको जरूर ऑल भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो बात करें सबसे पहले इस मैच के वेन्यू की, तो ये मैच खेला जाएगा होट अवेसनिक क्रिकेट ग्राउंड पर। दोनों टीम्स की अगर मैं प्रीव्यू की मैं बात करूं तो सर ओलिवर स्प्लिट जो है वो अभी करेंटली टूर्नामेंट में लास्ट पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पे जो टीम है जैक बर्कसो कोल ये अभी टूर्नामेंट की टॉप पोजीशन पर है। तो आप यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर ओलिवर स्प्लिट एक वीक टीम है और जबकि यहाँ पे जगरेब की टीम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। सर ओलिवर स्प्लिट ने इस सीज़न अपने 2 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक भी मुकाबला ये जीत नहीं पाए, जबकि JAS ने अपने सीज़न 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से इन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला अपना सिर्फ इन्होंने हारा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपीरियंस के मामले में भी JAS की टीम काफ़ी ज़्यादा आगे है। वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूं तो रेन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है मैच के दौरान, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर बात की जाए विकेट की, तो जो विकेट है होटल रेसनिक क्रिकेट ग्राउंड की वो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बैट्समैन को मदद देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत मदद यहाँ पर तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स को भी मिलने वाली है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की मैं बात करूँ तो वो दोस्तों यहाँ पर 95 रनों का है और जो भी टीम चेस करती है उसके यहाँ पर 60% चांसेस रहते हैं मैच विन करने के, यानी 10 में से 6 बार वो टीम यहाँ पर जीती है जिसने चेस किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर SOS के प्लेइंग 11 और उनके स्टैट्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले नाम आएगा निकोला देविदोविक का, जो कि अपनी टीम के कैप्टन है, राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। इन्होंने पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की थी, विकेट एक भी नहीं निकाला था और 11 रन बनाए थे। दूसरे मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले और 9 रन बनाए। सेम हाउटन की मैं बात करूँ जो कि विकेट कीपर हैं अपनी टीम के, इन्होंने पहले मैच में 10 रन बनाए, दूसरे मैच में 0 रन। नंबर 3 पे आते हैं जोसेफ जोकिक, जिन्होंने पहले मैच में 0 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 2 ओवर की फिर बॉलिंग की, यहाँ पर इनको विकेट नहीं मिले। और ना मसूम की मैं बात करूं तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे, पहले मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाला और रन एक भी नहीं बनाया, दूसरे मैच में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, विकेट एक निकाला और अपनी टीम के लिए 17 रन बनाए। शाकिब हसन की बात की जाए तो इन्होंने अपने 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले में 1 भी रन इनको नहीं बनाने का मौका मिला। जोवन रेप की मैं बात करूं तो पहले मैच में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, विकेट नहीं निकाला और 6 रन बनाए, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले और अपनी टीम के लिए 3 रन बनाए। डेविड स्किनर की मैं बात करूं जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराए थे, इन्होंने 2 मुकाबले में 10 और 11 रन बनाए हैं। लुका स्टेप्स की मैं बात करूं तो इन्होंने 2 मुकाबले में भी कुछ खास किया नहीं है। स्टेफन की बात की जाए तो इन्होंने पहले मुकाबले में देखा जाए तो एक भी विकेट नहीं निकाला और दूसरे मुकाबले में भी 1 ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर भी इनको विकेट नहीं मिले। निकोला स्टेवन जोइक की मैं बात करूं तो इन्होंने भी पहले मुकाबले में बैटिंग का इनको मौका मिला नहीं, दूसरे मैच में 7 रन बनाए। और दर्जन जेकोलिस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला, दूसरे मैच में भी 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट अपनी टीम के लिए निकाला। तो इनकी टीम की ओर से आपके लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे वो यहाँ पे निकोला देविदोविक रहने वाले हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे जोसेफ जोकी को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं और ना मसूम को इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, जोवन रेब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और नीचे की ओर से अगर मैं आपको बताऊं जो इनका 11वां प्लेयर है दर्जन जोकोलिस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
अब बात की जाए यहाँ पे टीम JAS की, तो उनकी ओर से देखिए आपको पहले खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद शेख, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड फर्स्ट बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला। दूसरे मैच में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला। तीसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट मिला। और 14 मैच में 19 रन बना और अपनी टीम के लिए फिर से इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, पर यहाँ पर भी इनको विकेट नहीं मिला। विजन बम की मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट हैंड स्पिन बॉलिंग कराते हैं। टूर्नामेंट में अभी तक बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन रन की बात की जाए तो 2, 10, 9 नॉट बैट और 25 रन इन्होंने बनाए हैं। नील्स गोर्नल की मैं बात करूं तो इन्होंने पहले मैच में रन नहीं बनाए, दूसरे मैच में 9 रन बनाए, तीसरे मैच में फिर से मौका नहीं मिला, चौथे मैच में 14 रन बनाए। डेनियल रिचर्ड्स की बात करूं, जो कि अपनी टीम के कैप्टन है, जो कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में इन्होंने देखिए विकेट इनको नहीं मिले और 28 रन बनाए, दूसरे मैच में 57 रन बनाए, तीसरे मैच में 27 रन बनाए, चौथे मैच में टीम ने इनको मौका नहीं दिया बल्लेबाजी करने का, इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया। अरबी शुक्ला की मैं बात करूं तो पहले मैच में नॉट बैट, दूसरे मैच में नॉट बैट, तीसरे मैच में 15 रन बनाए, चौथे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 3 विकेट अपनी टीम के लिए निकाले। पीटर रमान की बात की जाए तो पहले मैच में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की, यहाँ पर इनको विकेट नहीं मिला और इन्होंने 31 रन बनाए, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 5 विकेट निकाले, 8 रन बनाए, तीसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 1 विकेट निकाले, 30 रन बनाए, चौथे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 3 विकेट निकाले इन्होंने। अमन महेश्वरी की मैं बात करूँ तो इन्होंने पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग की, विकेट ले सके, तीसरे मैच में फिर से 2 ओवर की बॉलिंग की, 15 रन बनाए, यहाँ पर भी इनको विकेट नहीं मिला। उसके अलावा चौथे मैच में इनको बैटिंग का मौका नहीं मिला और ना ही इनको बॉलिंग दी गई। तो आप कह सकते हैं पहले मैच को छोड़ कर इनके सारे मैचेस की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है। जय ठाकुर की मैं बात करूं तो पहले मैच में 19 रन है, दूसरे मैच में 1 ओवर की बॉलिंग है, विकेट नहीं है, 54 रन है, तीसरा मैच खेले नहीं, 14 मैच में बैटिंग का मौका मिला नहीं। मार्क डेविस विकेट कीपर हैं, अभी तक 4 मुकाबले में 1 भी मैच अच्छा नहीं गया है। उल्ला अहमद की मैं बात करूँ, पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग है, विकेट ले, दूसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग है, विकेट, तीसरे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग, विकेट ले, चौथे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग और 2 विकेट इन्होंने निकाले। सुरेश शान मुगन की मैं बात करूं, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग की, 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में मौका नहीं मिला, तीसरे मैच में मौका नहीं मिला, चौथे मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके फिर से अपनी टीम के लिए विकेट निकाला। तो उनकी ओर से देखिए मोहम्मद शेख आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेनियल रिचर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीटर अमान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अमन महेश्वरी, आरपी शुक्ला में किसी एक को आपको आज पिक करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगी उल्ला अहमद की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात कर लीजिए दोनों टीम्स के टॉप पिक्स की, तो पहला नाम आएगा यहाँ पे निकोला का, जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। अभी तक टूर्नामेंट में 20 रन, 2 विकेट इनके नाम है। पीटर अमान एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं, टूर्नामेंट में 59 रन और 9 विकेट निकाल चुके हैं। डेनियल रिचर्ड्स काफ़ी कमाल के प्लेयर हैं, टूर्नामेंट में 112 रन बना चुके हैं। अरबी शुक्ला की मैं बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं, टूर्नामेंट में 15 रन, 3 विकेट निकाल चुके हैं। बात की जाए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहने वाले हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए, तो आप लोग पीटर अमान को कैप्टन बना सकते हैं, डेनियल रिचर्ड्स को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन निकोला को बना सकते हैं और अरबी शुक्ला को बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो घंटा उसको जरूर वॉलपेपर्स कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लेना। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप टॉस के बाद, जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर अभी के समय 4300 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक हम दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी दोस्तों अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे और काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूँ, ये कमाल की एप्लीकेशन का नाम है बल्लेबाजी एप्लीकेशन। और अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा होगा। अगर वहाँ पर लिंक ना मिले तो उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप मेरी दी गई लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, जो न्यू यूज़र होंगे और जिसको वो लोग आकर अगर यहाँ पर 100% यूज़ कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की कमाल की बात ये है कि आपको ये विड्रॉल जो है वो पेटीएम के अंदर भी देती है और बैंक के अंदर भी देती है। उसके अलावा आपके यहाँ पर जो भी बोनस होगा आप उसको हर एक लीग में यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे 10% 20% में। और आज जो दोस्तों क्वालीफायर मुकाबला होने वाला है दिल्ली वर्सेस कोलकाता के बीच में, तो उसमें यहाँ पर कमाल का गिववे चल रहा है, जहाँ पर आप लोग 10 रुपये लगाकर एक OnePlus Nord फ़ोन जीत सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगा फ़ोन है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक Echo Dot को भी विन कर सकते हैं। काफ़ी यूज़र इस चीज़ को विन कर चुके हैं, लेकिन अगर आप OnePlus Nord को विन करना चाहते हैं तो आकर आप लोग यहाँ पर 10 रुपये में इसको विन कर सकते हैं और अपनी जितनी टीम उतारना चाहें आप लोग यहाँ पर उतार सकते हैं।
बाकी दोस्तों अगर आपको स्मॉली वगैरह खेलेंगे तो उसके भी आपको कॉन्टेस्ट यहाँ पर दे दिए जाते हैं। और आपको मैं बता दूँ यहाँ पर 2 रुपये की भी लीग होती है, उसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी लीग्स भी मिल जाएंगी जहाँ पर आप अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। बाकी दोस्तों इस कमाल की एप्लीकेशन की खास बात ये है कि आप यहाँ पे नॉर्मल टीम तो बना ही सकते हैं, उसके अलावा आप लोग यहाँ पर बैटिंग की टीम बना सकते हैं, आप लोग बॉलिंग की टीम बना सकते हो, और आप लोग यहाँ पे एक रिवर्स टीम बना सकते हो, और आप लोग यहाँ पे सेकंड इनिंग भी आकर खेल सकते हो। और दोस्तों इसका जो एक कमाल का फीचर मुझे जो सबसे खास लगा, जो अभी तक किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है, वो फीचर है दोस्तों यहाँ पर प्लेयर इंटेलिजेंस। जैसे ही आप लोग इस फीचर के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि किस प्लेयर की कैसी फॉर्म है, कौन सा प्लेयर कितने नंबर पर आकर बैटिंग करेगा और उसकी फॉर्म कैसी है। और आपको किसी भी प्लेयर के अगर स्टैट्स के बारे में जानना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके उस प्लेयर के सारे स्टैट्स को भी यहाँ पर निकाल कर देख सकते हो, जिससे आप लोग काफ़ी कमाल की टीम क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ का जो टीम कॉम्बिनेशन फीचर है वो भी काफ़ी कमाल का है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, आप लोग यहाँ पर एक विकेट कीपर ले सकते हैं, आप चाहें तो एक बैट्समैन ले सकते हैं, एक ऑलराउंडर ले सकते हैं, और एक बॉलर भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, और आप लोग भी अगर अर्न करना चाहते हैं तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को ट्राई करिएगा। तो आपके समय सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 से 3 पिक आती हैं, हाउटन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेविस, और यहाँ पे वी भमार। तो यहाँ पर मैं वी भमार को पिक करूँगा जो कि अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उसके अलावा अगर मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो इसलिए विकेट कीपिंग सेक्शन में मेरी पहले पिक यहाँ पर वी भमार की रहने वाली है। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो आपके सामने स्किनर की पिक आती है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो इसी कारण से मैं इनको पिक नहीं करूंगा। मैं अपनी टीम में वो मासूम को पिक करूंगा जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों आपको करके देंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैं महेश्वरी को पिक करूंगा, बैटिंग बॉलिंग ये भी कराएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम एंड लेजर्ड्स को अपनी टीम में पिक करेंगे जो कि अपनी टीम के लिए बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर जय ठाकुर को ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग के मैचेस में अपनी टीम के लिए ओपन भी किया है। उसके अलावा ये आपको 1 या 2 ओवर की पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराकर दे सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर जो 3 मैन इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे, मैंने उनको अपनी टीम में पिक करके रख लिया है। अब बात की जाए दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर पहला नाम आएगा पीटर अमान का, जो कि टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग करा के देने वाले हैं, उसके अलावा आपको ओपन भी करके दे सकते हैं। डीजे कोहली इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एन डेविडोविक भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपन करेंगे और 1 या 2 ओवर की प्रॉपर बॉलिंग कराएंगे। आप यहाँ पर शुक्ला को भी पिक कर सकते हैं, जिन्होंने कल के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इसलिए यहाँ पर जो मेन 4 ऑलराउंडर्स हैं मैं उनके साथ जाने वाला हूँ। बॉलिंग की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो आपके सामने यहाँ पर पिक आती है पहले एन सेन मुगम की, तो आप इनको ट्राई करना चाहें, इनको कर सकते हैं। विकेट टेकर बॉलर है, हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग कराते हैं और 1 या 2 विकेट जरूर अपने नाम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एम शेखात की पिक, आप इनको पिक कर सकते हैं। जेर है इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो मैं इनको पिक करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं यू अहमद को पिक करूँगा, और जो लास्ट मेरी यहाँ पर पिक रहेगी वो यहाँ पर एम शेखत की रहेगी। आप चाहें अगर यहाँ पर एन सेनगम को पिक करना चाहते हैं तो जे रेप की जगह पर इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे 7 प्लेयर जो हैं वो जे एस के पिक कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि इस मैच में एस शहन मुगम मुझे लगता है कुछ खास नहीं करेंगे। तो इसी कारण से जो मेरी टीम है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर जे एस के रखूँ, तो इसीलिए मैंने 7 प्लेयर इनकी टीम से रखे हैं और एस ओ एस की ओर से मैंने सिर्फ 4 प्लेयर्स को मौका दिया है। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मेरी टीम में 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। और अगर बात की जाए टीम प्रीव्यू की, तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से अपनी टीम में वी भमार को रखा है, जो कि अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करेंगे और मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी करेंगे। बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर वो मासूम को रखा है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा के देने वाले हैं। आपको ए महेश्वरी को रखा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे। डी लेजर्ट्स को रखा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने डी जे कोहलीस को रखा है, बैटिंग बॉलिंग कराएंगे। डेविड ओविक को रखा है, ओपन करेंगे और 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे। शुक्ला को रखा है, और यहाँ पर मैंने पीटर मान को रखा है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का। बॉलिंग सेक्शन से जयरब को रखा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट टेकर बॉलर है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर यू अहमद को रखा, विकेट टेकर बॉलर है। आप चाहें तो उनकी जगह पर पिक कर सकते हैं किसी अदर बॉलर को, और यहाँ पर मैंने एम शेखात को रखा है। तो हमारी टीम में आप सिर्फ एक ही चेंजेस कर सकते हैं कि वो यही है कि आप यू अहमद को पिक करिए, यहाँ पर शहन मगम को पिक करिए। अभी के लिए मैं यू अहमद को पिक करूँगा, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं गेंदबाजी के ऑप्शन में। बात की जाए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाएं, तो जो देखिए कैप्टन की जो बेस्ट पिक है वो यहाँ पर पीटर अमान की है, और वाइस कैप्टन काफ़ी लोग यहाँ पर शुक्ला को बनाएं, लेकिन मैं वाइस कैप्टन डेविड ओविक को बनाऊंगा। रीज़न सिंपल सा, ओपन करने आते हैं ये भी, और आपको ये भी डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग कराते हुए नजर आ सकते हैं, और या पावर प्ले के अंदर भी इनके ओवर हो सकते हैं। बाकी आप डेनियल लिजर्ड्स को भी बना सकते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट में काफ़ी कम बॉलिंग करा रहे हैं, इसी कारण से मैं इनको वाइस कैप्टन नहीं बना रहा हूँ। बाकी अगर इनके मुझे जरा सा भी चांसेस लगे 1 या 2 ओवर बॉलिंग कराने के, तो मैं इनको भी वाइस कैप्टन बना सकता हूँ, क्योंकि जे एस की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। तो दोस्तों मैं अपनी टीम को सेव कर लेता हूं, आप लोग हमारी टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए, और जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहां पर जाकर आप लोग हमारी टीम को यूज़ कर सकते हैं। इसी सेम टीम के साथ दोस्तों मैं स्मॉली के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, और इसी सेम टीम के साथ दोस्तों मैं हेड टू हेड के कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लूँगा।
बाकी दोस्तों मेरी इस टीम से अगर कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है आफ्टर लाइन पर टॉस के बाद, तो जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोजाना आप लोगों को दी गई मेरी 100% विनिंग टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया वो मेरे चैनल का लिंक है, जिस पर क्लिक करके सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर की तरह फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको सर्च कर भी आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये काम दोस्तों ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी मैचेस हो, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ऑलवेज विन करें हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।